नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम नरेंद्र पोरवाल, पिताजी का नाम जयप्रकाश जी पोरवाल। हम ग्राम बेरछा जिला रतलाम निवासी हैं और हमने इस वर्ष भी इनोवेज का गुलाबो प्याज लगाया है और पिछले 2-3 वर्षों से इसे लगा जा रहे हैं और इसे काफ़ी अच्छी क्वालिटी निकल रही है, उत्पादन भी काफ़ी अच्छा है और पिछले 2 साल से भी लगा रहे हैं, इस साल भी लगाए हैं तो इसकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी, इसका आकार, कलर, पर्दा काफ़ी मजबूत रहता है और इस वर्ष भी इसका उत्पादन काफ़ी अच्छा आने की उम्मीद अभी लग रही है और इसकी हार्वेस्टिंग हम अभी लगभग 120 दिन का ये हो गया है और 1-2 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग हम प्रारंभ करेंगे और इसका जो है कंद काफ़ी अच्छा बना है, पर्दा और आकार भी अच्छा है और पिछले साल की अगर बात करें तो इसकी स्टोरेज क्षमता भी काफ़ी रही, हमने 10 महीने तक इसको स्टोर करके रखा, इसमें कोई भी समस्या नहीं आई। खासकर दूसरी वेराइटियों में जहां कार्बन की समस्या आती है, छिलके निकलने की समस्या आती है, वो समस्या इसमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली और इसका कलर अच्छा होने के कारण मंडी में इसका भाव भी हमें अच्छा देखने को मिलता है और इसमें जो अंकुरण की समस्या दूसरी वेराइटी में आती है वह भी इसमें काफ़ी कम आती है क्योंकि इसका आकार ही ऐसा है, उसकी वजह से इसका पर्दा अच्छा रहता है और जिस प्याज का पर्दा अच्छा रहता है उसमें जो है अंकुरण की और ख़राब होने की समस्या बिल्कुल भी नहीं आती है, जिससे कि किसान भाई को लास्ट तक अच्छा वजन मिलता है और वजन में कमी नहीं होती और भाव भी अच्छा मिलता है और अच्छा मुनाफा किसान भाई कमा सकते हैं। दूसरी विशेषता इस प्याज की करें कि जो प्याज की कंपनी है वह प्याज भी उचित दाम पर जो बीज उपलब्ध करवाती है, दूसरी कंपनियां जहां पर अधिक मुनाफा कमाती है वहीं पर यह कंपनी काफ़ी कम दाम पर, वाजिब दाम पर इसका जो है बीज किसानों को उपलब्ध कराती है और लगातार हर वर्ष इसकी क्वालिटी में सुधार आता जा रहा है और इस वर्ष भी इसका कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। तो मैं सभी किसान भाइयों को यही अनुरोध करूँगा कि आप अपने खेतों पर जो दूसरी प्याज लगा रहे हो उसकी जगह आप पूरा प्याज या थोड़ी मात्रा में इसका बीज लगा कर जरूर देखें, ट्राई जरूर करें और आपके यहाँ पर बढ़िया या सक्सेस होगा। तो किसान भाइयों, आप इनोवेज का जो बीज है वह जरूर लगाएं। इनोवेज में 2-3 क्वालिटी आती है, अगर आप इनोवेज का गुलाबो लगा सकते हो, इनोवेज का जो आपके यहाँ पर जल्दी वेराइटी आपको लगानी है, आपने मटर लगाई है या आपने आलू के खेत में अगर आपको लगाना है तो इनोवेज की एक अर्ली पिंक वेराइटी आती है वह भी हमने लगाई है जहाँ पर हम लेट हो चुके थे वहाँ पर, तो उसका भी आकार कलर काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिल रहा है और उसका उत्पादन भी जो पहले वाली फसल हमने लगाई है वही जो है उसका उत्पादन भी देखने को मिला है। आगे विशेषता की बात करें तो जहाँ पर अन्य वेराइटियों में इस वर्ष झुलसा रोग का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है, जो कि इस फसल में, हमारी फसल में आप देख सकते हो, इसमें बिल्कुल नाम मात्र भी झुलसा रोग आपको नहीं दिखेगा, जबकि हमने इसमें 2 से 3 रेगुलर जो स्प्रे किए हैं वही इसमें किए हैं और इसमें उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पर झुलसा रोग की समस्या इसमें काफ़ी कम लगी है, जो इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफ़ी अच्छी है, इसका जर्मिनेशन भी काफ़ी अच्छा रहता है